Greetings and good day. My name is Shua and I am a host and a founder of a podcast called Light Up with Shua. It's a weekly podcast on conscious living and parenting. You can find my links on YouTube, iTunes, TuneIn, Radio and CastBox. You can find me on Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter as well. So I will be conducting my interview in Urdu language. And there will be subtitles if you want to hear us, and you can turn them on. So I have a very special guest today. He is sitting in Abu Dhabi, and I found him through his vlogs, which are on social media activism. Assalamu alaikum. Mera naam Shua hai, aur main bani hoon, aur founder hoon, aur host hoon, Light Up with Shua podcast ki. और उम्मीद है कि आप ऑलरेडी इसको सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, और अगर नहीं देख रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रेट करें, शेयर करें, रिव्यू करें. आज मेरे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, अबू धाबी में बैठे हुए हैं. आप मोस्ट प्रॉब्ली उनको जानते भी शायद हों इनके वीलॉग से और इनके सोशल मीडिया एक्टिविज़म से. मुझे ये मेरे व्हाट्सएप की सर्कुलेशन में आए और मैंने इनको देखा तो मैंने कहा ये तो एक यंग मैन विद वाइब्रेंस एंड एनर्जी, कुछ अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है बाहर बैठ के. तो हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका नाम पूरा पूछते हैं और उनसे कहते हैं कि जी अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं. जी अलीज़ई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अशवा. अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपके मैंने यूट्यूब पे देखा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है आपका. शुक्रिया. तो You can ask me whatever you want. हाँ, अपना नाम पूरा बताइए. अलीज़ई है या अलीज़ई के आगे भी कुछ है? Well, मेरा नाम mostly लोग नहीं जानते, जो कि personal life में मुझे जानते हैं उन्हीं को पता है. मेरा पूरा नाम है यासिर खान अलीज़ई. अच्छा अच्छा. लेकिन फिर भी मुझे जो मतलब फ्रेंड्स का सर्कल है उसमें भी मुझे अली के नाम से ही लोग जानते हैं, तो उसी वजह से मैंने उसका फिर अलीज़ई व्लॉग्स के नाम से ही शुरू किया इंटरनेट पे. अच्छा अच्छा. तो ये आपने क्यों शुरू किया? चलें पहले यहाँ से शुरू करते. इसकी असल वजह ये थी ना कि मैं बहुत दफ़ा ऐसा करता था, जब इंटरनेट पे कुछ चीज़ें देखता था, लाइक कहीं पर वीडियो आ रही है कि फलां जगह पे जुल्म हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, या गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों के बारे में, तो मैं उसमें नीचे कमेंट्स करता था, जिसमें मुझे कमेंट करते हुए बहुत टाइम लग जाता था, और वो कमेंट मुश्किल से 5 से 10 लोगों तक जाता था. अच्छा. मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था लिख कर. तो फिर एक दिन मुझे वैसे ही आइडिया हुआ कि मैं बोल के सिचुएशन को एक्सप्लेन करूं लोगों के सामने, जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है. तो जब मैंने ट्राई किया तो उसके बाद लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए. वेरी नाइस. नहीं, अच्छी बात है. तो आप इस पे इसके बाद आगे भी कुछ मतलब ये एक अभी तो आप वीलॉग्स कर रहे हैं, तो क्या अभी आगे क्या करेंगे इसके इसके साथ, या इसके बारे में क्या ख्याल है? आपने आगे लेके चलना है इसको, किधर लेके जाना है? बिल्कुल लेके चलना है. देखें, अभी आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, दिन ब दिन इसकी जो रीच है मेरी वीडियोस की, मेरे पेज की या मेरे ट्विटर की, बढ़ रही है, ज्यादा लोगों तक वो जा रही है. तो मेरी कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह कि मैं ज्यादा से ज्यादा मुआशरे में होने वाली नेगेटिव एक्टिविटीज के बारे में बात करूँ, पॉजिटिव चीजें मुआशरे की लोगों के सामने लाऊं, और मैं अपने तरीके पे जो मुझे लगता है उसमें, पॉलिटिक्स में ज़ाहिर है मैं करता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ, पॉलिटिक्स पर भी बात करता हूँ. तो फिलहाल तो मेरा यही इरादा है कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाऊँ, और जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ. तो उससे पहले अब वापस थोड़ा सा जाते हैं कि आप प्रोफेशनली और क्या करते हैं? प्रोफेशनली आई एम वर्किंग एज एन आईटी. अच्छा. मैं अबू धाबी में एक गवर्नमेंट इदारा है वहीं पर जॉब करता हूँ. अच्छा. एंड बाकी सोशल मीडिया पे व्लॉगिंग वगैरह वीडियो. अच्छा अच्छा. तो पहले हम चले जाते हैं कुछ मुझे नहीं लगता कि आप पेरेंट हैं, तो आपसे कंफर्म कर लेते हैं कि आप शादीशुदा नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं. तो क्योंकि मेरी टॉपिक है कॉन्शियस लिविंग, जिंदगी बाशऊर तरीके से गुजारना, और बाशऊर तरीके से हम वालदैन या पेरेंट कैसे हो सकते हैं. तो आप एक पेरेंट के बच्चे हैं, तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप, आपके हयात हैं पेरेंट्स और वो उनके साथ आपका राबता और ताल्लुक कैसा है?
जी, मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं जब 4 साल का था तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। अच्छा तो वालदा साहब रहमत अल्लाह अलैह जो हैं उस दुनिया में नहीं है। मेरे वाल साहब हैं, बहुत अच्छा स्टेप मदर हैं, अच्छा बच्चे थे हम, तो हमने उन्हीं को देखा है। शी अच्छा इज अच्छा मदर, ऑफ अच्छा कोर्स बहुत अच्छा हमारा रिलेशन रहा है पेरेंट्स के अच्छा साथ में, और अब भी बात होती है, और बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक नॉर्मल फैमिली में होता है वो तो है ही, लेकिन मेरे वाल साहब की एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने हम पर ना एक सख्ती ज़रूर रखी है एक वक्त में। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो चीज़ें ना होती हमारे ऊपर तो आज शायद मैं किसी और रास्ते पे होता, क्योंकि लाइफ में अच्छा ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। तो एक लिमिट में बच्चों के ऊपर कंट्रोल उन्होंने जो रखा है, वो उसके लिए मैं थैंक्स बोलूँ अच्छा उनका। तो ये पॉइंट अच्छा है आपका कि लिमिट में कंट्रोल होना या नज़र रखना का क्या मतलब समझते हैं आप? मसलन कोई मिसाल दे सकते हैं हमारे सुनने वालों के लिए ताकि उनको आइडिया हो। इसके लिए देखें, लिमिट्स में रह के कंट्रोल रखने का मतलब यह है ना कि आप एक ऐसी हद रखो अपने बच्चों के बीच में कि वो आपसे शेयर भी कर सकें। अब ऐसा ना हो कि वालिदैन का बच्चों पे इतना डर हो कि जब पता चले कि वालिद साहब आ रहे हैं तो कमरों में घुस जाएं सब, खुल के हम बात कर सकें अपने पेरेंट्स के तो साथ आप में, कर अपनी पाते हैं? प्रॉब्लम्स को जी अच्छा तो प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें हम, ठीक है। लेकिन उसमें ये भी होना चाहिए कि मेरे ख्याल में जो आजकल देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस होती है ना जो पेरेंट्स के साथ में, मोर देन अ लिमिट्स, तो वो नहीं होनी चाहिए। उसमें झिझक खत्म हो जाती है अच्छा बच्चों के बीच में। तो उससे क्या होता एक है? उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है आपके ख्याल में कुछ लोगों के लिए? तो उससे ये शायद होता है ना कि हमें गलतियां करते हुए डर नहीं लगता, अच्छा कि हम बड़ी आसानी से गलती को कर लेते हैं, कि हमें वो डर, वो एहसास नहीं होता कि हमें कोई रोकने वाला है। क्योंकि आजकल की जिंदगी में बच्चों के ऊपर, स्पेशली जब टीनेज में होता है ना बच्चा, तो उसको एक पेरेंट्स का ही डर होता है। सपोज उसने स्मोक करना है या कुछ भी करना है, तो अगर उसको ये डर है कि मेरे पेरेंट्स इस पर क्या रिएक्शन करेंगे, तो वो उस चीज से रुकेगा, जबकि उसे ये लगा कि कुछ नहीं होगा यार, तो फिर वो वो पागल हो इसका जाएगा। मतलब है कि आपका मतलब है कि बेसिकली अपने आप की जिंदगी को जो डिसिप्लिन गुजारना या गलत चीजों में, हैबिट्स में या आदत में ना पड़ना बेसिकली जी उसके लिए। बिल्कुल अदरवाइज तो आप जैसे कहा कि आप शेयर कर पाएं अपने क्या कहते हैं खुशी गमी अपने पेरेंट्स से, आप सीखते बिल्कुल। बहुत है ना, आप गाइडेंस भी तो लेते हैं ना। वालिदैन की बातों को अगर बच्चे याद रखें या ना रखें, उनके कामों को बच्चे बहुत याद रखते हैं, अच्छा जो उनके सामने कर रहे होते हैं ना, उनकी जो उनके पेरेंट्स का जो होता है लाइफ में, तो वो उनका एक अक्स पड़ता है उनके बच्चों के ऊपर। तो आई थिंक पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने ऐसी ही एक्टिविटीज करनी चाहिए कि जो उनके फ्यूचर में वो देखना चाहते हैं। अच्छा, तो आपको उसका इफेक्ट नज़र आता है अपनी ज़िंदगी पे कि आपके जी मुझे बिल्कुल वालदेन ने या अलहमदुलिल्लाह लगता है स्पेशली फादर ने आपका रखा? जी। वेरी गुड। आपके बहन भाई हैं? और मुझे आइडिया जी थोड़ा सा तो है बिल्कुल आपका, मुझे तो आपका सोशल मीडिया से आइडिया है, बाकी आपकी पर्सनल लाइफ तो जाहिर है मैंने इसीलिए तो इंटरव्यू कर रही हूँ पता चले जी जी तो भाई हैं आपके, बहन है? जी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अच्छा, उनके साथ मेरे कैसा दो भाई इधर रिलेशन है? होते हैं, अच्छा यहाँ पे और हैं? अच्छा, दो इधर हैं और बाकी पाकिस्तान में। अच्छा बहुत अच्छा रिलेशन है, अच्छा वेरी लविंग, लाइक मैं समझता हूँ कि हमारी जो फैमिली है, आई एम नथिंग विदाउट माय फैमिली, अच्छा वेरी दे आर नाइस। वेरी सपोर्टिव इन एवरीथिंग। अच्छा उन्होंने ही सब कुछ किया है मेरे लिए आज तक, अच्छा मतलब लाइफ में जो भी हुआ है, वेरी गुड, तो दे आर वेरी सपोर्टिव फॉर वेरी मी। वेरी नाइस, गुड गुड गुड। अच्छा तो आप अपना व्यू समझते हैं कि फ्यूचर में अल्लाह बेहतर रखे, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फलाने वक्त पे शादी करे और फलाने वक्त पे बच्चे हों और फलाने वक्त पे, अगर अल्लाह तौफीक दे वक्त दे तो हो सकता है। तो लेट्स से कि हम सोचते हैं कि आप भी फ्यूचर में बाप बनेंगे और आप एक फैमिली अपनी एस्टेब्लिश करेंगे, तो आपका क्या विजन है? क्योंकि आप हैं यंग, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनको पता चले कि सारे लड़के लड़कियां केयरलेस और वो नहीं है, उनमें कुछ जिम्मेदाराना ख्यालात भी हैं। तो वो जी आप जी कुछ अगर बता सकें कि क्या समझते हैं, एक विजन क्या है एक यंग मैन होने का कि कैसा होना चाहिए या क्या होंगे आप, कुछ है आपका आइडिया? मुझे ये लगता है कि सम पीपल थॉट अबाउट मी, आई एम अ फंडामेंटलिस्ट काइंड ऑफ। अच्छा मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि अच्छा मैं बेसिक इस्लाम का बिलीवर हूँ ऑफ कोर्स, एंड इफ यू आर, आमीन तो
उसमें यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देता है, अच्छी तालीम दे के फिर उनकी शादी करवाता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी औलाद के थ्रू के मैं उनको एक अच्छा इंसान बनाऊँ सबसे पहले, ठीक है। माशरे में सही और गलत की तमीज़ सिखाना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, कि लोग सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। बिल्कुल, तो तालीम के साथ साथ शऊर जो है ना वो अपनी औलाद को देना बहुत ज़रूरी होता है और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कोशिश हर इंसान की होती है, ऑफ कोर्स कुछ इसको अच्छे से अदा कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, तो ये होगी। और उसके बाद ऑफ कोर्स फिर जैसे व्हेन आई गेट ओल्ड तो उनकी शादी करवानी है। अच्छा, तो उनको एजुकेशन का क्या देंगे, कुछ तरबियत तालीम? तरबियत तो जरूरी है, फिर तालीम भी आ जाती है, दोनों तालीम ऑफ कोर्स, लड़की हो या लड़का दोनों को एक ही जैसे देंगे? बिल्कुल, अच्छा, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हक लड़के का है वही हक लड़की का भी है, और हमारा दीन ये बताता है हमें, हमारे हमारे मजहब में भी ये बात है। बिल्कुल ठीक है, कोर्स यही है, बिल्कुल सही। तो आपको चलें अब आप फिर थोड़ा सा आते हैं, ये अभी आप क्योंकि पेरेंट तो नहीं है, लेकिन इससे पहले आप मुझे बताएं कि आपको अपनी सोसाइटी में, जैसे आप अबू धाबी में भी हैं, यंग लोगों में, क्योंकि वो भी मुसलमान एक मुल्क है और अपने पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है, तो आप मुझे बताएं कि यंग लड़कों में आजकल क्या अच्छाई है, एक अच्छाई या दो बताएं, और उनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि उनमें तब्दीली आनी चाहिए यूथ में? यूथ में आप पूछ रही हैं? हाँ जी, यूथ में, जो आपकी एज ग्रुप के लोग हैं या आपसे यंगर हैं, आप आफ्टर उठते बैठते हैं, आपके अपने बहन भाई भी हैं, आप खुद भी यंग हैं, कॉलेज से पढ़ के भी आए हैं, इधर भी काम भी कर रहे हैं, तो यूथ के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि क्या वो सही सिमत में हैं, हमारा जो जवान तबका है कहाँ जा रहे हैं? मुझे ये लगता है कि मोस्ट ऑफ देम जो कि हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं ना, उसमें ये एक सही सिमत नहीं है आजकल के नौजवानों की, कि जो रियल गोल हैं हमारी जिंदगी के, हम उनको छोड़ के एक फेक सी जिंदगी के अंदर हैं। अच्छा, मसलन, ठीक है, मुझे मिसालें भी देनी है आपने। मसलन कि आप देखें आजकल ये मीडिया के थ्रू एक फेम का चस्का जिसे आप ले लें कि हर लड़के को या लड़की को लगा हुआ है, तो ये हमारा रियल गोल नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। रियल जिंदगी के अंदर ये चीजें, कुछ भी कर जाना मतलब फेमस होने के लिए, लाइक्स ले लेने के लिए, कमेंट्स ले लेने के लिए, किसी भी हद पे चले जाना, ये आगे चल के जिंदगी में हमें, जिस उम्र में हमें इंजीनियर बनना है, जिस एज में हमें डॉक्टर बनना है, उस जिंदगी में हमें सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना चाहिए कि हम इंजीनियर अच्छे बने, हम अच्छे डॉक्टर बने, तो फिर जिंदगी आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगी। ये अधूरा जो है ना कि इंजीनियरिंग को अधूरा छोड़ दो, अपनी तालीम को अधूरा छोड़ दो, उसमें भी पांव डाल दो, वहां पे भी फैन फॉलोइंग बना लो, वहां पे भी अपने फॉलोअर्स बना लो, ये सारी चीजें फिर क्या होता है कि आगे चल के कुछ ही सालों में खत्म हो जाती, जब खत्म हो जाती और फिर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार आप हो जाते हो। तो इसलिए नौजवानों को एक उनका जो गोल है उसकी तरफ लेके जाने की जरूरत है, मुझे ये लगता है। उनको अपनी कुछ जिम्मेदारी भी तो होती है ना, हर पेरेंट हर वालदेन तो परफेक्ट नहीं होता, उनकी अपने भी बेचारे यू नो रोजी रोटी, बहुत सी सोसाइटीज के प्रेशर्स होते हैं। हम मिडिल क्लास और उससे नीचे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो यू नो ओवरनाइटर यू नो अमीर हो जाते हैं, हम बात कर रहे हैं जो आम हमारा तबका है। तो उसी लिहाज से जो आप कह रहे हैं कि भाई उनको फिर किसकी जिम्मेदारी है, एक तो वालदेन की होगी, उनकी भी कुछ है, आप भी तो एक जिम्मेदार लड़के हैं ना, तो वो कहाँ से आती है जिम्मेदारी? जिम्मेदारी देखिए उनको यहीं से आएगी ना, कि मैंने कहा था आपको तालीम देना और शऊर देना दो अलग बातें हैं। तो जब पेरेंट्स अपनी औलाद को एक शऊर का लेवल समझा देते हैं ना, तो उनको फिर सही गलत की तमीज होने लगती है। ठीक है, आज भी मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हर अपनी जिम्मेदारी को बाकायदा तरीके से अदा करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनके अंदर एक शऊर नाम की चीज है, वो समझते हैं कि ये चीज हमारे लिए फायदे की है, ये चीज हमारे लिए बुराई है। तो शऊर देने के लिए अहम किरदार हमारे पेरेंट्स का है, हमारे टीचर्स का है, और सोसाइटी का भी, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन चीजों को प्रमोट करें जो अच्छी है, और जो चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है हम उनको कम से कम क्रिटिसाइज जरूर करें। अच्छा, अबू धाबी और पाकिस्तान में क्या फर्क नजर आता है आपको, वहाँ के लोगों में, यूथ में,
बीइंग वेरी हॉनेस्ट, मुझे लोगों में अगर आप पूछोगे ना तो लोगों में एक फर्क ये नजर आता है कि यहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ऊपर है, मतलब कि एक जो इंसानियत होती है ना, एक समझदारपना जिसे कह सकते हैं आप, वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, दुबई में, ये अबू धाबी में, सॉरी जी अबू अच्छा, धाबी में. अच्छा, तो उसकी एक वजह ये भी है कि कानून अच्छा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा उसको फॉलो किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन है. हाँ जी, इम्प्लीमेंटेशन है कानून की. तो बाकी रहने के हिसाब से अबू धाबी बहुत अच्छा शहर है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरा दिल ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से ही जाता है. ज़ाहिर है, नहीं तो फिर अब जब आपको शऊर आ गया तो फिर अब आपका जिम्मेदारी हो गई कि आपने उधर एजुकेट करना है सबको. Of course, right? Yes. तब आप सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो तो आप उसमें हैं और आपको जब कुछ बॉदर करता है या कोई इशू आता है तो आप उस पे थोड़े क्लैरिफिकेशन देते हैं, जैसे कि आपने अपने शुरू में कहा. तो आज हमारा जो मीडिया है उसको आप अबू धाबी या दुबई या मिडल ईस्ट के मीडिया से, वेस्ट से ना भी करें, हम अपने नेबरिंग कंट्रीज से कर लें, आपका क्या ख्याल है हमारा मीडिया आजकल कैसा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप बात कर रहे हैं? जी जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और जो जो जिसकी भी बात कर सकते हैं आप, जिस जिससे भी आपकी वाबिस्तगी है. देखिए, मीडिया का फर्ज ये है कि उसे वो दिखाना चाहिए कि मुआशरा किस तरह का होना चाहिए, ये नहीं कि मुआशरा किस तरह का है. अगर यही चीज दिखानी शुरू कर दो ना कि मुआशरा कैसा है, तो मेरे ख्याल में फिर सुबह से लेकर रात तक आपको अफसोसनाक खबरें ही देखने को मिलेंगी, आपको बुरी खबरें ही देखने को मिलेंगी. तो इसलिए मीडिया ये दिखाए कि मुआशरा कैसा होना चाहिए, यानी कि कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स भी होनी चाहिए, कोई मिसालें हो जो अच्छी बात भी करें, कोई बिल्कुल सोसाइटी में, मुआशरे में मायूसी ना फैलाएं. ठीक है, और सपोर्ट करें सबसे पहले अपने कंट्री को भी, और जो आपकी कंट्री के लिए लोग कर रहे हैं उनको कम से कम आप सपोर्ट करें. और हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके खिलाफ तो मेरे बहुत ज्यादा वीडियोस भी इस तरह की बनी हुई हैं. मैं बिल्कुल भी, बहुत कम लोग हमारे मीडिया पे ऐसे हैं जिनके साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ. ज्यादातर देखें, ये हमारा मीडिया वही दिखाता है जिसपे इनको रेटिंग मिले, तो इनके नजदीक सच झूठ मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता, जो के करना चाहिए असल में. तो आपकी बात ये है, बिल्कुल सही है. तो इसका कोई सलूशन आपने ढूंढा है या ढूंढेंगे, क्या करेंगे? देखिए, इसका सलूशन मेरे ख्याल में ये है ना कि या तो बंदा उस लेवल का ईमानदार हो, ठीक है, कि अपनी किसी भी प्रोग्राम किसी भी शो में वो बात करे ही ना, ठीक है, कि जिससे मतलब कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कंट्री के खिलाफ या लोगों के खिलाफ या आपके मुआशरे के खिलाफ. अच्छा, अब हर बंदा तो उस लेवल का ईमानदार नहीं है, ठीक है, पैसे भी कमाने हैं, पेट भी पालना है, तो फिर उस चीज को हमें ना हाथ की ताकत से रोकना चाहिए, कि क्योंकि हम आप किसी को भी खुला छोड़ देंगे ना तो हर बंदा अपनी ही मर्जी के मुताबिक जीने लगेगा. तो हाथ की ताकत से रोकना फिर यही है कि कानून होना चाहिए ऐसा, गवर्नमेंट को, पैमरा को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि आप इन चीजों को, जो कि मतलब आजकल का मीडिया बिल्कुल ही अपनी मर्जी से जो दिल में आए बोले जाए और जो दिल में आए उस पे शो कर दें. बहुत सारी चीजें मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ अभी इस वक्त आपके शो में कि जो मीडिया में हो रही है कि वो बिल्कुल भी हमारी सोसाइटी हमारे मुआशरे का हिस्सा है ही नहीं, ठीक है, तो इनके ऊपर कम से कम पाबंदी. कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं जो हम शेयर कर सकें इस वक्त अपने मीडिया पे, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि सेफर हो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बच्चे भी हैं हर तरह के एज ग्रुप पे, तो ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए, कोई ऐसी कोई मिसाल देने में आ रही हो? मैं इसमें आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ. अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की स्टोरियाँ उठा के देख लें, ठीक है, घरों में बच्चे देखते हैं, सही है, फैमिलियां बैठ के देखती हैं, किसी मतलब हिस्टोरिकल पर्सन के ऊपर कहानी बनाओ आप, कोई हमारी सोसाइटी के साथ मिलती जुलती कोई स्टोरी बनाओ, क्या एक ही टॉपिक है आपके पास, प्यार इश्क और मोहब्बत, वो लड़की या लड़की के साथ मोहब्बत करना, शोहर से तलाक लेके हलाला करवा के दूसरे से शादी कर लेना, इन टॉपिक्स के अलावा भी बहुत सारे सोसाइटी में टॉपिक्स हैं जिन पे ड्रामे बन सकते हैं, जिनके ऊपर डिस्कस की जा सकती है. घरेलू मसाइल के ऊपर आप ड्रामा बना सकते हो, किसी भी चीज के ऊपर. मोस्ट मतलब कि आप देखें, मोस्टली जो है 90% हमारी कहानियां नॉवेल्स की ड्रामों के अंदर यही दिखाई जाती हैं, ये लड़के लड़की का प्यार हो जाना, ठीक है, माँ बाप से बगावत करके भाग जाना लड़के के साथ, ठीक है, वहां से फिर तलाक लेके दूसरे से करना, फिर उससे हलाला करवाना. तो दैट्स नॉट लाइक, वही चीज मैं कह रहा हूँ ना कि हमें वो दिखाना चाहिए कि मुआशरा कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें पॉजिटिव चीजें दिखानी चाहिए. गुड गुड, थैंक यू. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने छेड़ा है ड्रामों का,
इस पे अगर जाने लगे तो फिर हम घंटा लगे रहेंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन और बहुत बात, सारी चीजें हैं, आपने एक एग्जांपल ली, पूछी तो मैंने आपको एक ठीक है ठीक है। नहीं नहीं अच्छा, और अच्छी कोई एग्जांपल है मीडिया में जो आप दे सकें कि हाँ इस तरह का होना चाहिए? क्योंकि मॉर्निंग शोज में तो मुझे लगता है सिर्फ मेकअप ही दिखा रहे होते हैं कि मेकअप कैसे करना है औरतों ने। वो भी हाँ वो जी मुझे पसंद नहीं आती बात पर्सनली, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, अपने लिए। लाइक और भी तो औरत का कोई और भी तो रोल है ना, सिर्फ मेकअप ही तो नहीं करती है वो। सही बात है, सो सही कह रही। तो पॉजिटिव क्या हो सकता है कि मैंने कुछ देखे हैं, अभी नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं जो आपके सोशल इश्यूज पे बात हो। लेकिन हमें मेरा ख्याल है आपके साथ बात करते हुए, एक मैं बोलना तो मुझे सुनना है आपका ज़्यादा, लेकिन इसमें इस वक्त मैं लिबर्टी लेके ये कहना चाहूँगी अपने ही शो में कि मेरा ख्याल है जब हम तनकीद करते हैं तो उसके साथ सोल्यूशन भी देना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बिल्कुल तनकीद करने से बात ख़त्म नहीं होती ना, क्योंकि ऐसा ही है, फिर बिल्कुल तनकीद की फिर इंटेंशन जो है वो समझ नहीं आती कि जी आपने सिर्फ तनकीद करनी थी या वाकई आपको इससे मैटर होता है तो आप इसका कुछ सोल्यूशन दें। क्योंकि सोल्यूशन के बगैर फिर बात क्या बनी ना, फिर तो आप खामखा क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। सो मेरा सही ख्याल है बात। कि लोग जो सुन रहे हैं उनको ये मैंने ये सीखा है, और इंशाल्लाह ये मेरे और भी लिंक्स में आएंगी चीज़ें, कि हमें तनकीद के साथ सोल्यूशन भी देना चाहिए और सही बात, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए तरीके से, नॉट के जस्ट बस मैंने एतराज़ ही करना है आप पे और बस आपको गिराना है। अच्छा, तो अभी एक सवाल आ रहा था मुझे, आपने व्यूअर्स के लिए भी हम आखिर में भी कहेंगे, लेकिन ये मेरा ख्याल है आपका पहला इंटरव्यू है मेरे साथ जी बिल्कुल, मेरा जो पहला इंटरव्यू। आप इन दे रहे हैं मीडिया पे या एक शो में, तो आई रियली थैंक यू फॉर दैट। आपका बहुत यू शुक्रिया वेलकम। कि आपने टाइम भी निकाला। अच्छा और जी, आते हैं थोड़ा सा आप पे, कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चन करते हैं तीन चार, और उसके बाद आखिरी लेग ऑफ क्वेश्चंस जो मैं कहती हूँ, आखिरी सवाल होते हैं मेरे अक्सर जो मैं सबसे पूछती हूँ, ऑलराइट, वो ये है कि जी आपको मुकम्मल क्या करती है चीज़, व्हाट कम्प्लीट्स यू? मुझे मुकम्मल, ऑफ कोर्स मुझे, आई थिंक मेरी जो लाइफ के में मौजूद चीजें हैं जिनके साथ मैं अटैच हूँ, मेरी फैमिली है, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स एंड मेरी जो इंटरनेट के थ्रू एक फॉलोइंग बनी हुई है, उन सब के होते हुए मैं अपने आप को मुकम्मल फील करता हूँ। अच्छा, और अगर वो ना हो तो? और अगर वो ना हो तो आई विल वेट फॉर समवन। अच्छा, सही जी है। अच्छा, आपके ख्याल में रिस्पेक्ट किसको कहते हैं? मुश्किल मुश्किल रिस्पेक्ट, सवाल यू करूंगी, जरा यूथ है ना तो यंग कैन जबान आस्क एंड आई हैव टू थिंक अबाउट योर जी जी क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल सोचें, बिल्कुल सोचें। रिस्पेक्ट वो होती है ना मेरे ख्याल में, कि जो अल्फाज आप किसी के लिए खुश हो के अपने दिल से निकालते हो, सिर्फ मुंह से नहीं, गुड मेरे ख्याल में गुड, वो रिस्पेक्ट है। बाज़ दफ़ा हम किसी को देख के ना उसके लिए अच्छे बोल बोल लेते हैं, हमारा दिल साथ नहीं दे रहा होता, सिर्फ ज़बान साथ दे रही होती है उसमें, चाहे हमारा कोई मकसद हो सकता है, कोई मतलब हो सकता है। तो रिस्पेक्ट ये है कि जब आप किसी के लिए अच्छे बोल बोलो और वो आपके दिल से हो, ये रिस्पेक्ट है। गुड, चले पसंद आया मुझे तो सब आपका जवाब। थैंक अब यू। लेट्स आई होप हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आएगा। एक चीज़ जो आपको अपने बारे में पसंद हो वो बताएं, और एक चीज़ जो आप अपने में बदलना चाहें वो बताइए। मेरे बारे में जो मुझे पसंद है, बींग ऑनेस्ट, बहुत सारी चीजें पसंद है मुझे, लेकिन आपने अच्छा, एक पूछी है हाँ बस तो एक ही मैं बताता हूँ बताएं। कि आई थिंक मैं अंडरस्टैंड कर जाता हूँ चीजों को। अच्छा बाज दफा मेरे मसाइल होते हैं, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं उनको बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करके, इवन अगर मेरी गलती नहीं भी है तो मैं कोशिश करता हूँ अगले बंदे को मना लूँ या उसे सॉरी कह लूँ। अच्छा ये मुझे चीज़ पसंद है कि अच्छा मेरे आप ताल्लुकात आ जाते हैं सबसे, आगे, फॉरगिवनेस अपने मतलब, यस ऑफ अच्छा कोर्स, सॉरी मांग लेते हैं। वाह जी बड़े वाह, बड़ी वेरी आसानी से, यही नाइस। चीज़ ये मुझे तो मेरी जरा कम पसंद होती है हमारे यहाँ थोड़ी, लेकिन वो है। भी लड़कों में और आदमियों में बड़ी बात है। नहीं, मेरे अंदर है, जो लोग अच्छी मुझे बात, रियल लाइफ में जानते हैं, अच्छा, जिनका मेरे साथ वक्त गुजरा है, तो वो हाँ उस चीज़ को एडमिट करेंगे। चलें, इसका मतलब मैं भी अब जान गई हूँ आपको जरा, और तो अब अच्छा। उम्मीद है कि इसकी, ये तो बहुत अच्छी खूबी की बात है। चलें, और अगर एक और पूरी बता दें, बात, और एक और खूबी बता दें, चले। अपनी एक और खूबी, हाँ मेरी ये खूबी एक और जो है, जो मुझे पसंद है और लोगों को भी वो काफी पसंद आती है, कि मैं
गलत चीज को होते हुए देखते हुए चुप नहीं करता, मैं उस पर बोल लेता। अच्छा गुड गुड, अच्छा चलो, ये तो बड़ी जबरदस्त दो इम्पोर्टेंट चीजें हो गई। अच्छा अब एक चीज ये बताएं जो आप अपने में बदलना चाहें। एग्रेसिव हो जाता हूँ, गुस्सा आ जाता है बाज दफा। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम बाज दफा, मैं आपको बताऊं, मैं किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ना वीडियो में, तो बीइंग हॉनेस्ट मैं तीन तीन मरतबा उसको डिलीट कर लेता हूँ। कि मैं जब उसको देखता हूँ अपलोड करने से पहले, मैं कहता हूँ यार इसमें बहुत गुस्सा किया हुआ है मैंने, मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। तो मैं उसको डिलीट करके फिर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा काम होके बनाऊं। लेकिन जैसे ही मैं उस टॉपिक के ऊपर आता हूँ तो मेरा गुस्सा जो है वो मैं खुद बहुत ऊंची आवाज में बोलने लगता हूँ। बस पर मेरे फेस पे भी एक्सप्रेशन, मैं लाल हो जाता हूँ उसमें। तो मुझे ये लगता है कि कम होना चाहिए। मुझे लोग भी कहते हैं कि आप बात अच्छी करते हो, दलील से करते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा काम लेजे में करो, ये मैं चाहूंगा कि मेरी आगे तक। कैसे कर रहे हैं, कोई काम करने का सोचा है उस आदत को बेहतर करने का, क्या तरीका जी है? बिल्कुल, उस आदत को बेहतर करने के लिए मैं अल्फाज की शाइस्तगी का चुनाव करता हूँ, उर्दू जबान का, क्योंकि उर्दू जबान के बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जो खुद से गुस्से से नहीं बयान होते। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो बातें मैंने करनी हो उसमें इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ, और कोशिश करूँ कि मैं उसको स्लो स्टार्ट से करके तो आराम से बात अपनी खत्म करूँ। लोगों को समझाना मकसद है, गुस्सा करना नहीं। और पानी पीना और सांस लेना भी हेल्प करता है, मेरी एडिशनल टिप है। I'll do it. Breathe, क्योंकि सांस तेज हो जाती है जब गुस्सा करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो तवज्जो अगर सांस पे देंगे ना तो काम डाउन हो जाएंगे और बात भी बड़ी सही निकलेगी, स्ट्रॉन्ग। और अच्छा अब लेट्स कम टू द लास्ट लेग ऑफ क्वेश्चंस। आखिरी सवाल है मेरे कुछ चंद, आप बताइए कि जिसको हम इंग्लिश में भी कहते हैं वेल्थ जो होती है, उसको एक हम पैसा भी एक होता है, लोग समझते हैं पैसा होता है, एक सेहत को भी वेल्थ समझते हैं, मतलब डिपेंड करता है किसको, आप के तजर्बे में आप वेल्थ किस चीज़ को समझते हैं, आपका खजाना क्या है? वेल्थ मेरे ख्याल में वही है कि दुनिया में अगर आप पूछो ना जी रहते हुए जी, तो लोगों के दिलों में आपकी इज्जत, उनके लिए आपका वकार आपका वेल्थ है। Nice. तो बाकी टेम्पररी चीजें आती जाती रहती हैं। सही। शुक्र की क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में? जब आप शुक्र अदा करने लगते हो ना तो आपकी, ये मेरा पर्सनल मानना है और एक्सपीरियंस भी है, शुक्र अदा करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, आपकी लालच खत्म हो जाती है। अच्छा। जब आप जो आपके पास है ना उसी पे आप शुक्र करने लगो तो आप अल्लाह की रजा में राजी हो जाते हो, फिर और लालच खत्म हो जाती है पाने की, और बहुत सारी टेंशनें और परेशानियां भी जो हैं जो वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको अंदर से लगने लगता है कि मैं खुश हूँ इसलिए मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो आप खुश रहते हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहता हूँ। गुड गुड। वक्त की क्या अहमियत है? वक्त की बहुत अहमियत है, सही वक्त पर और ख़ास वक्त पर जो करना है हमें वही करना चाहिए। इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। जरूर, जरूर। मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा था, तो वो वीडियो मैंने उस दिन बनाई और अपलोड की, तो वो पूरे इंटरनेट पे उसको करोड़ों लोगों ने देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, आई थिंक मैंने देखी है शायद वो वाली। हाँ जी, तो अगर वो वीडियो मैं आज बना के अपलोड करता तो आपको लगता है करोड़ों लोग देखते थे? मतलब कि वो सही वक्त पे सही काम कर लेना चाहिए। तो अच्छा, वेरी गुड। और टाइम वेस्ट के लिहाज से क्या वैल्यू है, कि जैसे हमारे यहाँ वक्त जाया करना या एक वक्त की उसकी, तो आपके लिए प्रेशियस है इसका मतलब, वक्त आपके लिए कीमती है? वक्त एक ऐसी चीज है कि जो वापस नहीं आता। बिल्कुल। सो आपको इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, और टाइम वेस्ट करना मेरे ख्याल में जिंदगी का एक सबसे बड़े पछतावों में से एक पछतावा है, कि जो आदमी टाइम वेस्ट कर जाता है उसको सारी जिंदगी ये पछतावा लगा ही रहता है कि मैं उस वक्त को ना वेस्ट करता तो शायद आज जिंदगी किसी और तरह की हो सकती थी। वेरी नाइस, बड़े आप तो बड़े मैच्योर यंग मैन हैं, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हाँ, ये जो आजकल हमारे यहाँ तो हमारे दीन में भी है
کہ انوائرمنٹ کا خیال رکھنا، اپنی آب و ہوا کا، اپنی زمین کا خیال رکھنا، آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ؟ اس پہ بھی شاید آپ نے، آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ نے ٹاپک کوئی کیا ہے، تو میں آپ کو انکریج کروں گی کہ اس پہ بھی کریں کہ ہم اپنی جگہ کو پلوٹ کرتے ہیں یا اپنی انوائرمنٹ کو یا کیسے صاف رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے اس کا؟ ہر انسان کا ذاتی اور بنیادی اور پہلا حق ہے نا سانس لینا. ٹھیک ہے، تو معاشرے کو دوسری ضرورتوں سے پہلے سب سے خاص ضرورت جو ہے نا سانس کی، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. آف کورس باقی ضرورتیں تو بعد میں آتی ہیں، پہلی ہماری ضرورت ہم سانس لیتے ہیں نا، وہ کم سے کم ہمیں خالص ملنا چاہیے. تو اس کے لیے انڈیویجولی ہر آدمی بھی کر سکتا ہے، کم سے کم اپنے صحن میں کوئی پودا لگا کے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی گلی کو صاف کر کے کر سکتا ہے، اپنا جو ڈسٹ بن ہے اس کو مطلب کہ صفائی میں رکھ سکتا ہے، اس کو ڈھانپ کے رکھ سکتا ہے. اور اس میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہماری اس وقت کی گورنمنٹ تو بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے پاکستان میں، اور ہر گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے. میں آپ کو یو اے ای کی ایگزامپل دینا چاہوں گا. یو اے ای میں ایسا کوئی پودا نہیں ہے جس پودے تک گورنمنٹ نے پانی کا پائپ نہ پہنچایا ہو. اب یہاں پہ اگر آؤ گے تو آپ دیکھو گے بڑے بڑے پارکس ہیں روڈ کے بیچ میں، ہر پودے کے پاس انہوں نے پائپ پہنچایا ہوا ہے اپنے وقت پہ، 20 گھنٹے کے بعد اسے پانی لگتا ہے. اتنا مشکل ہے یہاں پہ پودوں کی نشو نما کرنا، درختوں کی نشو نما، جو کہ ہمارے اسپیشلی پاکستان جیسے کنٹری میں اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ سڑک کے کنارے لگا ہوا پودا ایک دفعہ لگا دو تو خود ہی بڑا ہوتا رہتا ہے. بالکل، اس کو کسی چیز کی ضرورت بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. ہمیں کم سے کم وہ کرنا چاہیے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری درجہ یہ ہے کہ جو لگے ہوئے ہیں ان کو مت کاٹو، ان کو مت چھیڑو. بالکل، جو لگے ہوئے ہیں ان کو لگے رہنے دو. ویری نائس، ویری نائس. بالکل ایسا ہی ہے، سعودیا میں بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہی پورا مڈل ایسٹ میں ہی اٹس ناٹ ایزی، اس کو کافی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ویری، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کمپیئر کیا ہے، اور یہ بڑی بلیسنگ ہے پاکستان میں کہ آپ ایسے سیڈز پھینک دو نا، وہیں اگاتے ہیں آرام سے، وہیں اگاتے ہیں. بالکل بالکل، ماشاء اللہ. اچھا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، مل گیا ہے یا ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں، مقصد تو ابھی بہت باقی ہے. اچھا، مقصد زندگی کا یہی ہے کہ اگر میں اپنے ذاتی طور پہ اتنا اچھا یا پرفیکٹ نہیں بھی ہوں، یا میں اپنے آپ کو ایک پریکٹسنگ مسلم اگر نہیں بھی کہہ سکتا، تو کم سے کم میں اپنی زندگی میں کچھ چیزیں انسانوں کے حق میں ایسی کر جاؤں کہ جس جو میری نجات کی وجہ بنے، میں چاہتا ہوں. تو اس کے لیے میں ایک یہ راستہ میں نے چنا ہے اپنی زندگی میں کہ میں لوگوں میں اویئرنیس پھیلاؤں اور سچی بات لوگوں تک پہنچاؤں اور سچ کا ساتھ دوں بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، چاہے اس راستے میں مجھے کیسے بھی حالات فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کو یہ میری عادت پسند آتی ہے تو دیٹ ول بی انف فار می. ویری نائس، تھینک یو. کوئی امید کا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں صرف اسپیسیفکلی پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان بھی ایک ہمارا خطہ ہے، لیکن پوری دنیا کے لیے، یوتھ کے لیے اسپیشلی، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پوری دنیا کی یوتھ کے لیے پیغام، ڈیفیکلٹ کوسچن. چلیں آپ پاکستان کی یوتھ کے لیے بتائیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں. پاکستان کی یوتھ کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ صحیح وقت پہ صحیح کام کی پہچان کو جانیے، کہ جس وقت میں آپ کو جو کرنا ہے اس وقت پہ وہی کریں، اپنے جو ریئل گولز ہیں ان کے اوپر فوکس کریں، بجائے یہ جھوٹ اور دھوکے کی دنیا میں رہنے کے. یہ ساری چیزیں یہیں پہ ہیں. آپ نے دیکھا ہے پہلے فیس بک ہوتی تھی، پھر ٹویٹر، پھر اسنیپ چیٹ، تو پھر ٹک ٹاک، تو پھر کیا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں گی. جب آپ ان ایک کامیابی کے اوپر چلے جاؤ گے، تو جب پھر فری ہو کے آپ اس وقت کے نئے پلیٹ فارم کے اوپر بہت زیادہ فالوورز گین کر لینا. فی الحال اپنے ریئل گولز کے اوپر فوکس کریں، یہی پیغام ہو سکتا ہے میرا. ویری نائس، ویری نائس، تھینک یو. ینگسٹرز کے لیے اسپیشل. بالکل بالکل بالکل. نہیں، یہ آپ کا اچھا اپروچ تھی، ویری نائس. آخری سوال پہ آ رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اکنالج کرنا چاہوں گی، اور میں ریئلی تھینک فل ہوں تہے دل سے کہ آپ نے وقت نکالا ہے، اور آپ کے لاکھوں فالوورز، کتنے فالوورز ہیں فیس بک پہ؟ کتنے فالوورز میرے فیس بک پہ؟ 500,000 کے قریب ہیں، ماشاء اللہ. اچھا، اور میرا خیال ہے
और कहाँ कहाँ? इंस्टाग्राम पे काफी है, इंस्टाग्राम पे पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, अच्छा यूट्यूब पे भी हैं। मैं सारी अच्छा चीजें यूज नहीं करता, मेरा एक भाई है छोटे, वो ही देखते हैं। अच्छा अच्छा जी अच्छा तो माशाल्लाह आपकी तो बड़ी फॉलोइंग है, और अल्लाह करे कि आपको और कामयाबी मिले, और आमीन। आप अपने मिशन में, अपने पर्पस में, अपने मकसद में कामयाब हों। बहुत शुक्रिया। और आप प्लीज़ व्यूअर्स, आपने ये देखा है अली जई के साथ लाइट अप विद शुआ पे आए हैं, और आई होप और उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इनकी कन्वर्सेशन। ये शायद साइड आपने इनकी नहीं देखी, वो सीरियस सोशल इश्यूज पे काम बात हो रही होती है, लेकिन यस आज आपको पता चला कि इनकी खूबियाँ और चेंज क्या करना चाहते हैं और मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स इनके। हम इंशाल्लाह फिर रابطे में रहेंगे अली जई, और कुछ महीनों के इंशाल्लाह। बाद, या हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे मैं आपकी इनपुट लेना चाहूँ, तो आप ज़रूर हमारे लिए अवेलेबल होंगे, उम्मीद है। जरूर इंशाल्लाह, जरूर। और इससे पहले कि आखिरी सवाल पूछूं, और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अली जई फर्स्ट टाइम लाइट अप विद शुआ पे ये इंटरव्यू दे रहे हैं, एंड आई विल से इट इन इंग्लिश आल्सो दैट अली जई थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो, एंड दिस इज़ हिज फर्स्ट इंटरव्यू ऑन लाइट अप विद शुआ, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड फॉर दैट। बहुत अली, आखिरी अली जई, आखिरी सवाल, व्हाट लाइट्स यू अप? आपको क्या चीज़ मुनव्वर करती है जिंदगी में? जिंदगी में आजकल जो मुनव्वर कर रहा है वो लोगों की बहुत अच्छी अच्छी दुआएं जो मुझे कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए पढ़ने को मिलती हैं। वो मेरे माँ बाप पे सलाम भेजते हैं अच्छा, वेरी कि आपके नाइस, माँ बाप को माशाल्लाह। सलाम हाँ जिन्होंने आपको पैदा किया। हाँ जब जिन्होंने वो आपकी मेरे परवरिश की, जब बिल्कुल वो मेरे मुंह से सच सुनते हैं तो थोड़ा सा कट गया, जब वो आपके माँ बाप को सलाम इवन और दुआएं भेजते हैं तो कॉल करके, अच्छा तब फिर मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता बड़ा, है और मुझे लगता है कि वाकई मुझे ये करना चाहिए अच्छा एंड अच्छा एनकरेजमेंट लगता है मिलती मुझे, है। हाँ वेरी नाइस, एनकरेजमेंट हाँ मिलता नहीं सही है ना, सच सच जो है वो उसकी इतनी वैल्यू है कि वो उसको कोई, वो कोई और कुछ कर ही नहीं सकता। सो वो पॉइंट सही है, चाहे वो सोशल इश्यूज पे हो, चाहे किसी भी बात पे हो, आप अपने आप को एक पोजीशन में डाल रहे हैं जिस पे आपको तनकीद जी। भी आती होगी, आई एम श्योर। आती है, हाँ बिल्कुल आती आती है, है। अच्छा उसको कैसे और मैनेज करते तनकीद हैं, दिल पे लेते हैं या मैनेज कर लेते हैं, ज़्यादा दिल पे लेते तनकीद हैं? हाँ काफी होती है, अक्सर होती है अच्छा मतलब, लेकिन जिस हिसाब से मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं उस हिसाब से तनकीद वाले तो बहुत कम है, अच्छा लेकिन तनकीद जिस हिसाब से होती है ना तो फिर उस एक कमेंट या एक मैसेज के ऊपर भी मुझे मतलब देना पड़ता है कि हाँ भाई तनकीद क्यों हुई। उस दिन मैंने एक पोस्ट भी की थी कि अकलमंद इंसान वो है जो तनकीद को एज ए नसीहत ले, ठीक है, और उसमें अपनी इसलाह करे। तो तनकीद पे मतलब कि हाइपर हो जाना, एग्रेसिव हो जाना कभी भी नहीं हुआ। ये चीज़ अच्छा कभी मैंने ना किसी मैसेज के जरिए की है ना कुछ, तो मैं उसको एज ए नसीहत लेता हूँ कि हाँ भाई इस बंदे ने ये जो तनकीद की है चाहे उसके अल्फाज कुछ भी थे, लेकिन क्या इसने जो कहा है वो सही है या गलत है, उसमें मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट था, वेरी नाइस, थैंक यू अगेन, हैव अ गुड डे। यू वेलकम। और बाकी ये है कि अब आप जहाँ भी शेयर करें इंशाल्लाह हम भी शेयर करेंगे, और ये पैगाम जो इंशाल्लाह। आपकी अच्छी बातें हैं ये पहुँचनी चाहिए, मकसद असल में ये है। बहुत थैंक शुक्रिया, यू। टेक केयर, बहुत शुक्रिया। हाफिज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।